स्मॉल विले अभी का वक्त, जहाँ पर कालेल से सुपरमैन और सुपर बॉय दोनों लड़ रहे थे। जहाँ पर सुपरमैन कहता है, कॉर्नर इस मॉन्स्टर को कंट्रोल में करो, इसे ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। जिस पर कॉर्नर यानी कि सुपर बॉय कहता है, मैंने तो ये सुन लिया, लेकिन कोई इसे भी बताओ। इस पर कालेल कहता है, मुझे मारना आसान होगा, लेकिन तुम अपने बाप से कैसे लड़ोगे जब वो फिर से जिंदा होगा। तुम उसके साथ पंचेस मारकर डील नहीं कर सकते। और तभी वो अपनी हीट विजन से दोनों पर अटैक करता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारे पंचेस उस पर कुछ असर नहीं डालने वाले। और तभी वो सुपरमैन और सुपर बॉय को एक पंच में ही अपने से दूर कर देता है। दूसरी तरफ नीचे खड़े लोग ये सब देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और इसी वजह से वो सबका येलो कलर स्पेक्ट्रम यानी कि फियर स्पेक्ट्रम देख पा रहा था। और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि साइको पायरेट था। आगे साइको पायरेट सभी के इमोशंस चुरा कर उन्हें अपने अपने इमोशंस दे देता है, जैसे कि एंगर, फियर, लव और भी बहुत कुछ। आगे हम देखते हैं कि लुइस मार्ता से कह रही थी, ऊपर देखो मार्ता। यह भी सिर्फ पैराग्राफ है और जब ये कहानी खत्म होगी तब पहला पेज खत्म होगा। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर सुपरमैन और कालेल अपनी हिट विजन से लड़ रहे थे। जहाँ पर कालेल कहता है, मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुमसे बेटर वर्ल्ड से आया हूँ, मैं अर्थ 2 से हूँ, या फिर यू कहो कि मैं अर्थ माइन से आया हूँ जो कि मेरी है। मैं तुम्हारी तरह फेलियर नहीं हूँ और कॉर्नर की तरह एक पथेटिक ऑर्फन तो बिल्कुल भी नहीं। तभी ये सुनते ही सुपर बॉय पीछे से पंच मारकर उसका सिर फोड़ देता है। जिस पर काले लुइस से कहता है, लुइस मार्था को मार दो, इनकी माँ को मार दो। और ये सुनते ही सुपर बॉय लुइस की तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए वो हीट विजन से लुइस का हाथ काट देता है और साथ ही साथ उसके पार्ट की ग्रेव लेकर वहां से उड़ जाता है। और इसी का फायदा उठाकर मार्था खेतों में भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लुइस अपने आप हील हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि आसमान में कालेल को अपनी कोल्ड ब्रीथ से सुपरमैन ने जमा दिया था। इस पर कालेल कहता है, कोई बात नहीं, लुइस उसे फिर से ढूंढ लेगी और जब तुम फेल होगे तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि तुम अपनी माँ को भी खो चुके होगे जैसे तुमने अपने पा को खो दिया। और आखिर में तुम अकेले बचोगे खुद को दोष देने के लिए। और इतना कहकर वो उस आइस से फ्री हो जाता है और कहता है, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना टाउन लेने दो, क्योंकि तुम ह्यूमन नहीं हो। भले ही तुम ऐसा फील करते हो, लेकिन ये प्लेस तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते एलियन। और इतना कहते ही वो उस पर अटैक करता है और कहता है, और इसे डिस्ट्रॉय करने में तुम मेरी मदद करोगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई में स्मॉल विले का काफी नुकसान हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि सुपरमैन फियर, होप, रेज और विल सभी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं साइको पायरेट को, जो कि लोगों के बीच में अलग अलग इमोशनल स्पेक्ट्रम जगा रहा था। जैसे कि किसी को लालच देके झगड़े करवा रहा था, वही किसी को लव इमोशनल स्पेक्ट्रम देकर लोगों में जलन पैदा करा रहा था, और फियर और बाकी के सभी इमोशनल स्पेक्ट्रम देकर वो वहाँ पर लोगों में लड़ाई करवा रहा था। तभी सुपर बॉय उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कोरी मुसीबत में दिखती है और वो नीचे देखता है कि वहाँ पर सभी तरफ दंगे मचे हुए थे। इस पर साइको पायरेट कहता है, मैं उसका जिम्मेदार, क्योंकि मैंने उनके इमोशंस चुरा कर अपने इमोशंस दे दिए। और इतना सुनते ही सुपर बॉय उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पर कालेल से कह रहा था कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो कालेल जो कि गुडमैन है वही कहीं पर है। इस पर कालेल कहता है, तुम अगर उसे ढूंढ लो तो मुझसे भी मिलवा लेना, ठीक है। और वो इतना कह ही रहा था कि तभी सुपर बॉय उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर सुपरमैन कहता है, कॉर्नर साइको पायरेट अभी यहाँ पर है। सुपर बॉय इतना सुनते ही उसे जोरदार पंच करते हुए कहता है, अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा भी नहीं। और तब हम देखते हैं कि वो रेज से भरा हुआ था और इसी वजह से वो सुपरमैन पर अटैक कर रहा था। और यहाँ पर हम उनका इमोशनल स्पेक्ट्रम देख पा रहे थे, जहाँ पर सुपर बॉय का इमोशनल स्पेक्ट्रम था रेज और लालच, वही सुपरमैन का इमोशनल स्पेक्ट्रम था फियर, होप, विल, कंपैशन और लव। और वो दोनों ही बच्चे कुछ स्मॉल विलेज को तबाह कर रहे थे। दूसरी तरफ कैंडोर न्यू क्रिप्टॉन पर जॉरेल, जो कि अब ब्लैक लैंटर्न बन चुका था, वो सभी को मार रहा था और कह रहा था, मैं जितना क्रिप्टॉन से प्यार करता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता, लेकिन चीजों को बदलने के लिए कई बार डीप लव भी कम पड़ जाता है। और इसीलिए मैं जिनसे प्यार करता था, जैसे कि तुम्हारी माँ और मेरी बीवी अलूरा, उन्हें चेंज करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और तब हम देखते हैं कि वो सभी को मार कर आगे बढ़ रहा था और आगे कारा के सामने खड़ा होकर वो कहता है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ कारा, तुम मेरी जान हो, लेकिन तुम्हें भी बदलना होगा। इस पर कारा उसे कहती है
कि आप अभी बीमार है, हमें आपकी मदद करने दीजिए। आप जिंदा तो हो चुके हैं, लेकिन सही मायनों में हमें आपका इलाज करना है। और तब हम देखते हैं उसका इमोशनल स्पेक्ट्रम, जो कि फियर, होप, लव और कंपैशन था, जिस पर जॉरे उससे कहता है, नहीं मैं किसी भी तरह से जिंदा नहीं हूँ, तुमने मुझे कई बार डिसअपॉइंट किया है कारा, तुम हमेशा से एक बुरी डॉटर और एक बुरी क्रिप्टोनियन रही हो, तुम हमेशा से वीक और स्टूपिड रही हो, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम एक पैथेटिक क्रिएचर हो, यही ट्रुथ है और तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तब रेज और विल से भरकर कारा कहती है, असलियत, अगर तुम असलियत जानना ही चाहते हो तो सुनो, मेरे फादर मुझसे ऐसे कभी भी बात नहीं करते, तुम मेरे फादर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे, मेरे क्रिप्टॉन को और मेरी माँ को कभी भी हर्ट नहीं करते। और वो इतना कहकर जॉरेल को एक पंच मारती है, और वो पंच इतना जबरदस्त था कि उसके सर के साथ उसकी आंखें भी निकल जाती है, जिस पर वो कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम मुझे मार भी नहीं सकती, और तुम मुझे तभी मार नहीं पाए जब मैंने पूरी सिटी को मार दिया। और तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्मॉल विले में उन खेतों में लुइस अभी भी मार्था को ढूंढ रही थी, जहाँ पर वो कह रही थी, मार्था बाहर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, डेथ तो सबको आनी है और मेरा ढूंढना भी कभी खत्म नहीं होगा, तो लड़ना बेकार है मार्था, तुम मुझसे या डेथ से मत डरो। तभी मार्था की आवाज आती है, जो कि कह रही थी, मैं एक फार्मर की वाइफ हूँ, तुम्हें अगर मुझे डराना ही है तो तुम्हारे साथ किसी और को ले आओ। और तब हम देखते हैं कि वो एक मशाल हाथ में लेकर उस खेत में खड़ी थी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।